Ooh. Mm -hmm. Welcome back जी के बाद आपके साथ हैं और दो और शख्सियत मेरे साथ स्टूडियोस में ज्वाइन कर चुकी हैं तारुफ कर बात चलू आकिब अशरफ साहब हैं नाथ खान को वेलकम करेंगे सर असल अलेकुं। का बड़ा माशा और इनके साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत रहमान जायद साहब मालज हैं जादू जिन्नात के इनको भी वेलकम करेंगे सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ठीक है गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे लेकिन पहले चलेंगे आकिब अशरफ साहब की जानिब और जानते हैं आप हमें क्या सुना रहे हैं हां जी आज हम उसे दुया कई कह सकते हैं या बंदे मोमिन की कोई आरजू जिसे कह सकते हैं अच्छा। जिंदगी की अच्छा। वो इन पेश करने की कोशिश करेंगे। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खाते हो मेरा जीना चलना इलाही तेरी खाते हो मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में मसाजिद में मजालिस में زمانا ڈن رہا ہے مغربی ربی शा तेरी मंज़िल तेरी मंशा मेरी मंज़िल ये दिल लिख पल न होगा फिरे तेरी मंशा मेरी मंज़िल ये दिल लिख पल में दान मेरा गिरना इलाही तेरी खाते हो मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खाते हो मेरा मुश्किल पूछा तू है मेरा ज तेरबा तू है वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो वफा करना जफा करना इलाही तेरी मनशा तेरी मंशा मेरी मंजिल ये दिलिक पल न होगा फिल तेरी मंशा मेरी मंजिल ये दिलिक पल न होगा फिल सरे में दा मेरा गिरना इलाही तेरी खाते हो माशाथ माशाथ मेरा जीना मेरा, मेरा मरना इलाही तेरी, तेरी खातिर हो माशाल्लाह 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 बहुत खूब आकिब साहब माशाल्लाह भी उम्दा है और आवाज भी आवाज भी उम्दा है वो एक फील है ना जी जैसे लिखा गया फिर अदा किया गया और फिर हमने अपने टूटे फूटे दिलों की कैफियत से जैसे उसको समझा अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैरत आफर बहुत शुक्रिया सर इस लुत्फ के बाद अब हम चलते हैं अपनी जिम्मेदारी की जानब और जिम्मेदारी ये है कि कुछ सवाल हमें लोगों ने लिख भेजे हैं <स्थित> वो आपके गोश गुजार करूँगा जवाब आपने देने हैं पहला सवाल जो पूछा गया है पूछा गया है वलायत शोबदाबाजी और जादूगरी में क्या फ़र्क है बसमिल्लाम निज़ामी साहब विलायत असल में ईमान अमल और तकवे के मार का नाम है जी जब बंदा ईमान अमल और तकवे के मीर पे पहुंचता है तो उस वक़्त अल्लाह कहता है ये मेरा दोस्त है अल्लाह अकबर ये मेरा वली है और शोभाबादी अगर देखा जाए शोभाबादी तो आम गली बाजार के चलते फिरते बाजारी लोग जो है, उनके हाथों के कर्तव्य और हाथों की सफाई का नाम है कहाँ हाथों, कहा हाथों की सफाई कहाँ दिल की सफाई ओह कहाँ हाथों की सफाई और कहा दिल कि तहारत और दिल की सफाई और फिर इसके साथ साथ जो जादूगरी है जी जादूगरी तो इंतहाई पलीदगी वाला नपाकी वाला गलाजत वाला और इसी तरह इनतहाई बुरे अक़ीदे का नाम है जी जादूगरी हमारे यहाँ जैसा कि आप देखते थे कि पहले लोग सांप दिखाने के लिए और इसी तरह करतब दिखाने के लिए लोग चौक चरस्ते में बैठ जाते थे और बसों का सांप ही नहीं दिखाते थे बाकी की सब कुछ दिखा देते थे और इसी तरह ये भी होता कि एक आदमी एक सर को काट के बच्चे के सर को काट के प्लेट में रख देता और उसके बाद लोगों को इस तरह प्लेट में रख के उसके सर को दिखाता और पैसे ले लेता था लेकिन मौजूदा जमाने में बहुत बड़ा भयानक किस्म का अमल जो किया जा रहा है कि शोबदाबाजी और जादूगरी का नाम हमने वलायत रख दिया है और फिर उस शोबदाबाजी और जादूगरी को हम वलायत के नाम पर दीन को बदनाम कर रहे हैं असल चीज़ यह है कि आदमी शोबाबाद है या जादूगर है भले शरीयत की रोशनी से हट कर मुआषरती तनादुर में अगर देखा जाए तो भाई तू अपनी हराम रोजी रोजी का जो जरिया बनाए हुए है करता जा तुझे जब खौफ खुदा आए तो उसको दीन से अलग कर दे अल्लाह से जब डर जाए तो बंदा उन चीजों को अलग कर दे और एक कौल भी है अलफकीह मई याफल्लावली मई यक्षल्ला वली होता ही वो है जो अल्लाह से डरने वाला है अजय सर ये बात इस तरफ आगे तो मैं चाहूँगा दो तीन चीज़ें आप मैं और गोश गुजार करूँ पहली बात तो ये कि लोग आम सादा लोग लोग जो कि परेशानी में हैं तकलीफ़ में है किसी ना किसी उलझन में है वो जब जाते हैं कि कोई अल्लाह वाला मिल जाए कोई वलायत वाला मिल जाए कोई अल्लाह का वली मिल जाए वलायत में जादूगरी और शोबदाबाजी में जो डिफरेंस है जो वाज फर्क है वो जरा लोगों को समझा देना ताकि जरा वाजे हो जाए फिर मुझे आगे कुछ और चीजें भी आपसे पूछते हैं देखें कुरान मजीद से पूछा जाए कि वली किसे कहते हैं और वलायत किसे कहते हैं तो कुरान मजीद वादे दो टोक लफ्जों में बयान फरमाता अला खबरदार जी, जी। खबरदार अला इन्ना अल्लाईम व्यान खबरदार अल्लाह के जो वली हैं अल्ला के नेक बरगजीदा बंदे हैं उनके ऊपर ना मादी का खौफ ना मुस्तबल का हुजन किसी किस्म का नहीं होता नहीं। उनकी पहली अलामत यह है कि अल्ला दीना आमानु, वो सहब ईमान होता है वकान यत्ता कौन और सहब तकवा होता है सहब ईमान आदमी और सहब तकवा इसका तल्लक वलैसे है और इसी तरह शेखुल इस्लाम इबन तैमिया के कौल को अगर शामिल कर लिया जाए जी। तो बहुत बड़ी अजीम बात उन्होंने की है फरमाया कि आज़मुल करामा लजूम इस्तकामा, सबसे बड़ी करामत और सबसे बड़ी वलायत यह है कि आदमी दीन पर इस्तकामत इख्तियार करे और यहाँ एक जुमला बोलूँगा बहुत उम्दा प्यारा है जी जी। दीन पर दवाम का नाम इस्तकामत है और दीन से इहराफ का नाम इलाहाद और इसी तरह के दीगर आप उसको जो भी नाम दे दें ठीक है ठीक है दीन पर इस्तकामत दवाम वो इस्तकामत बनती है और अगर दूसरी चीज़ अगर देखा जाए दूसरा जो बहुत बड़ा बुनियादी वसफ़ है कि वली आदमी वो सहब अमल होता है कुरान सुन्नत के जुजियात और कुलियात कुरान और सुन्नत की बुनियादी और म्यारी तालीमत से वो वाकफ़ होता है और फिर साथ इसी के अंदर देखा जाए तो कमाल इलम कमाल इतात का नाम है <दियों> कमाल इलम कमाल इताद का नाम और कमाल इताद कैसे होती है नबी अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बंदा जब वली बनता है तो वह यह तर्र्रबिल बिन नवाय बिन नवाफिल य <दियों> तर्रबोलैया बिन नवाफिल वो नवाफिल के ज़रिए कसरत से नवाफिल अदा करता है और उसके ज़रिए मेरा क़ुरब हासिल करता है और फिर एक बात तो यह है कि वली वो होता है जिसके अंदर वलामे ना हो वले ना हो अच्छा फरेब ना धोखा वली वो होता है जिसे देख कर अल्लाह याद आए जी आप उसे उसके जाहिर को देखें उसका देखे। सुनत के मुताबिक हो उसका लिबास कुरान सुनत के मुताबक हो उसके शबोरोज कुरान सुन्नत के मुताबिक हो उसका जाहिर बातन कुरान सुन्नत के मुताबिक हो अगर इसके मुताबक नहीं है तो फिर आप देख लें कि क्या है हमारे लोग बाद अजीब व गरीब करतब दिखाने को हाथों की सफाई दिखाने को करामत समझते हैं हालांकि कुन तालिबन लिल इस्तकामा ला तालिबन लिल करामा जी। हमारे यहाँ कुरान मजीद की आयत है तक किम कमा उमिरता फस्ता किम कमा उम्रता जिस वक़्त आप निज़ामी साहब ये चीज़ लोगों से जहालत को ख़त्म कर दें तालीम को ले आए आपको वादे तौर पर पता चल जाएगा कि वली कौन है शुभदाबाद कौन है और जादूगर कौन है जिस वक्त तक इन चीज़ों का इदराक नहीं करवाया जाएगा मुआशरे के अंदर ये मसाइल और मसैब बाकी रहेंगे और मसाइल खत्म नहीं होने वाले ठीक है जी जैसे आप बता रहे हैं कि वली के जो बुनियादी और साफ़ हैं कुरान सुन्नत और जो आपने बताया कि उसका ज़ाहिर होना चाहिए उसका बातिन नज़र आना चाहिए कि वो ऐसा है बिल्कुल, बिल्कुल उसका उठना बैठना गुफ्तार हर चीज़ आपके सामने वाज आएगी वो कुरान सुन्नत की रोशनी होगा अरे सर मेरे जहन में एक बार-बार बात ये बार आ रही थी कि जब हम बात करें वली की उनके औसाफ़ की बात करें तो हम दीन की बात कर रहे हैं हम दीन पर चलने की बात कर रहे हैं मैं अगर चाहता हूँ कि दुनिया व आख़रत में मेरा ज़ाती और वसी घर हो और खुशहाली हो तो उसके लिए फिर क्या क्या होना चाहिए देखें निजामी भाई हर बंदा ही चाहता है उसके पास अच्छी गाड़ी हो अच्छा घर हो और वसी रिझक हो पाक साफ तो आप एक ही दुआ के अंदर एक दुआ और तीन से चार फवैद हैं एक ही दुआ के अंदर और जुमले देखना अच्छा। बड़े प्यारे जुमले जी हैं। फरमा अल्ला फिल्ली जम्बी ए अल्लाह मेरी अल्तजा है कि मुझे मेरे गुनाहों से साफ पाक फर कर दे गुनाह साफ हो गए गुनाह ख़त्म हो गए और दूसरा बहुत अहम लफ्ज़ है वी फी दारी जी या अल्लाह मुझे अपना जतीि घर भी दे दे और वसी घर दे दे अगर आप चाहते हैं कि आपका दुनिया में अपना जतीि घर हो और साथ आखरत में भी आपका दुनिया भी मिले और आखरत भी आखरत मिले। में भी घर तो ये दो दुआएं बहुत अहम है अल्लाह फिली जम्बी दारी व बारिक ली फी रिज की बारिक्ला मेरे रिजक में बरकत आता फरमान और रिजक में बरकत हो और साथ वसी घर हो गुनाह भी माफ हो और घर में अमन सुकून हो तो ये दुआ हर घर के हर फर्द के लिए जरूरी है ठीक है और फिर दूसरी दुआ बड़ी आसान है वजू करने के बाद बंदा जिस वक़्त वज़ू करता है और वजू करने के बाद यह दुआ पढ़नी लेकिन ये, ये दुआ तजदीद ईमान के साथ ईमान की तजदीद हो आपके अंदर ईमान का इजहार हो वो क्या है अशहादुल्ला वाह शरीक वाह मोहम्मद अब दू वसूल हदीस के मुताबिक जी। जन्नत के आठों दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं जो आदमी ये दुआ पढ़ता है और साथ साथ वजू करता है तो बर कै आज कल सबसे बड़ा मसला यही है कि घर नहीं है लड़ाई झगड़े हैं रिजक की नहीं फरावानी है। नहीं, है। नहीं है घर की वजह से और रिज़ की वजह से लोग अपना ईमान अपना अखलाक तक फरोख्त कर रहे हैं अखलाक की बीमारियों की बुनियादी वजह बल्कि सर आप सोशल मीडिया पर अगर देखें तो अखलाकियात का क्या जनाजा वहाँ नज़र आता है और हम लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं सबसे बड़ी वजह आजकल यही नज़र आ रही है कि आपने पैसा कमाना है और किसी भी तरह से नज़र आना है अभी आपके आने से पहले हमारे एक और मेहमान मॉजि यहाँ पे मौजूद थे डॉक्टर साहब और उनसे भी जब हमारी गुफ्तु हो रही थी तो यही गुफ्तु थी कि आजकल कल हलाल जराए से हम किस तरह से रस कमा सकते हैं ऑनलाइन कमा सकते हैं तो ये सब के मसाइल में से है एक लमसब आज मस्जिद के इमाम की तनख्वाह चार से पाँच लाख हो और उसको अच्छा घर दे दिया जाए दुनिया का हर फर्द इमाम बनने की कोशिश करेगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर लोग खाशात के पुजारी और मफादत के बंदे बन चुके हैं आप यकीन करें अभी बात हो रही थी मेरी उस शेख से यजमान साहब से तो यह है कि आप पाँच मरले के घर के लिए अपने आप को अपने ईमान और अपने अखलाक की किस कदर कुर्बानी दे देते हैं सैदा उम्म हानी रज़ील्ल्ल तक उनको अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा अमल बताया ये सुबहानल्लाहद्ला फ़लाबर ला इला से आपका जमीन आसमान का जो माबैन है वो सारे का सारा भर जाता है आपको अल्लाह पूरी कायनात दे रहा है आप पांच मरले के मुकाबले में पूरी कायनात को तर्क कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह और वो भी आपको पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना फिर कितने लोग ऐसे हैं उनकी आधी कमाई प्लाट बनाने में और आधी जिंदगी की कमाई प्लाट बनाने में अमीर करने में लग जाती है घर बनाने में लेकिन बस अवकात घर में रहना नसीब नहीं होता नहीं होता बहुत सी मिसालें मौजूद हैं बहुत सी मिसालें मौजूद हैं लेकिन ये कितनी प्यारी दुआ है ठीक कि आप फिल्ली जम्बी वस लिफी दारी वबारिक लिफी रिजकी और शादा वाह शरीक अला वाह मोहम्मद अन व रसूल दुआ भी पढ़ें और घर भी लें दुआ भी पढ़ें गुनाह भी बखशवाएँ दुआ भी पढ़ें और वाफर रिजक भी ला, ला। है माशा माशा ठीक है अच्छा सर एक क्वेश्चन और हैं असल में ये दो क्वेश्चन लेकिन मैं रिलेट कर देता हूँ पूछा गया ना फरमान औलाद की असलाह के लिए आ, कुछ वजीफ़ा बताइए और एक मैं साथ ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन और भी या शौहर की असलाह के लिए भी आपस में जो मियाँ बीवी में मोहब्बत का कोई वजीफ़ा यानी औलाद की मोहब्बत का भी और मियाँ बीवी या शौहर की मोहब्बत का भी वजीफ़ा देखें निज़ामी साहब आज कल तो घर घर का मसला है जी। कि लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे नाफरमानी नहीं ख़त्म हो रही हती कि ये है कि जो बच्चे हैं जी। आप यकीन करें कि वो माँ बाप के भी माँ बाप बने हुए हैं गोया के इस दौर में जो वालदेन हैं वो जब तक बच्चों के मुद्द बन के नहीं रहेंगे बच्चों का पूरा एहतराम नहीं करेंगे तब तक वो दुनिया नहीं चलेगी बच्चे जिस तरह बोलते हैं और इसी तरह घरों में जिस तरह मसाइल हैं ये अगर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह बढ़ते गए तो ये दूरियाँ बिल्कुल यूरोपीय तरह पैदा हो जाएंगी कि बच्चा माँ बाप का मुंह देखने के लिए भी तैयार नहीं होगा लेकिन प्यारी दुआ रसूल अलैहि वसल्लम के सामने सैदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तुने अपनी वालदा के मुतक एक अल्तजा की शिकायत नहीं मैं कहता की। वालदा के मतलब शिकायत नहीं होती अल्तजा की फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैं अपनी वालदा को मोमिन मुसलमान देखना चाहता हूँ तो आप उसके लिए दुआ फरमा दे मुशरक़ा है आपका बच्चा मुशरक तो नहीं हुआ नहीं। आपका खामद मुशरक तो नहीं हुआ थोड़ी सी कलैश थोड़े से मसैल है ना तो आप ये दुआ देखें अल्लाह के रसूल सामा ने जिस वक्त उनके मुतक ये जुमला सुना तो आपने एक दुआ दी अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुए अल्लाह तू अबू हुररा की वालद ग्रामी को हदायत अता फरमा और यही दुआ इसी तरह के अल्फाज से सैदना मीर मुआविया रजी अल्लाह ततलक अल्लाह के, अल्ला के रसूल ने दुआ दी थी जी। अल्लाज आलहू हादीन महदीन अल्लाह इसको हादी बना दे इसको लोगों का रहनुमा बना दे लोग इसके ज़रिए हदायत हासिल करें इसको भी हदायत अता और इसके ज़रिए भी हदायत लोगों को मिले अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बकायदा साले भी रहें और मुसले भी बने तो एक ही जुमला हदी यहाँ बच्चे का नाम ले लें आप अल्लादी जईदन अल्लाद बकरन जो भी लफ्ज है सैदना अबू ने फरमाते हैं फखरज तो मुस्तब शरन बिदुआ नबी सल्हल मैं अल्लाह के रसूल की दुआ के साथ खुशी खुशी निकला और घर की तरफ जिस वक़्त देखा जी। तो वहाँ अभी घर की तरफ लौटा हूँ तो आवाज़ आई याबा हुरारा ए अबू हुरारा किस की तरफ से बला ये वालदा की तरफ से वालदा की तरफ से आवाज़ आई और वो गुसल करके साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठी हुई थी और कहा गया वाहरा अशहाद वाह वाहरीक वाहद महमदन अब अब्दुहु व अबू अबूर मैं अल्लाह पर अल्लाह की तुहद पर और नबी कायनात महमद अरबी की रिसालत पर क्या लाती हूँ इमान इस दुआ की इतनी बरकत है कि बंदा काफिर हो तो मुसलमान तो बन जाता है और मुस्लिम हो तो मोमिन बन जाता है अल्लाह के फजलो करम से काफिर हो माम मुश्रका थी लेकिन जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने यह दुआया कलमत दिए हैं दिल से दुआ हो तो काफिर भी मुसलमान बन जाता है और अगर दिल से दुआ ना ना हो तो बेटा भी नाफरमान और शोहर भी नाफरमान हो जाता है और फिर मदे की बात है जिस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लम को के पास दोबारा अबू रज़ी अल्लाह तआला अब उस वक्त हालत कुछ और थी पहले गम की हालत में थे अब भी गम की हालत है लेकिन अब गम खुशी का है आंसू खुशी के हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अपनी वालदा माहदा का पूरा किस्सा सुनाया और फिर साथ एक और फ़ायदा भी लिया जब अहल इलम और के पास बैठे हो ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करवा लिया करें फरमा के अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए भी और मेरी वालदा माजिदा के लिए भी एक ऐसी दुआ कर दें कि हमारे दरमियान लोगों के इख्तलाफ झगड़े नफ़रतें ये ना हो लेकिन मोहब्बत इंतहा दर्जे की हो जो लोगों के दिलों में घर करना चाहता है अपने बच्चों के मुतलक लोगों की मोहब्बत चाहता है जी जो फील्ड में काम करने वाला स्टाफ मुलाजम है वो अपने मालक की मोहब्बत चाहता है या इसी तरह आपस में दो दोस्त गहरी मोहब्बत चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल की ये दुआ ना भूलें अल्लाह के रसूल ने ऐसी प्यारी दुआ फरमाई फरमाया हबीब उबैदा का हादा यानी अबा हुर ये जो जुमले ना अल्लाह उमी उबैदा का हादा ये जुमले याद करने वाले हैं ये दुआ जिस वक्त भी आप करेंगे और आगे देखें क्या जुमला क्या है वा उम्मा हु इला इबादी का अलमोमिन ए अल्लाह तेरे से मैं दुआ करता हूँ कि अबू हरा और उसकी वालदा माजदा की मोहब्बत मोमिनों के दिलों में कुरान की तरह दाखिल कर दे कुरान की तरह कुरान की तरह दाखिल कर दें ऐसे और ये कुरान की तरह लफ मतलब ये हब्बीब है वो लफ अदीज़ के नहीं है नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने कुरान के लफ जो इस्तेमाल किया आगे लफ दे कैसे प्यारे हैं अबू ने फरमाते हैं फमा खुली कमिन यसमाऊ बी वाला अबानी उसके बाद इस दुआ के बाद कोई मोमन मुझे नहीं मिला कोई मुसलमान मुझे नहीं मिला या कोई मोमन और मुसलमान ऐसा नहीं है जिसने मुझे देखा हो और मेरे से मोहब्बत ना की हो अल्लाह पूरी जिंदगी के लिए अगर हम आप अपने दोस्तों के दरमियान अपने बच्चों के दरमियान अपने मियाँ बीवी शोहर के दरमियान अपने स्टाफ के दरमियान दिली मोहब्बत ऐसी चाहते हो तो इधर उधर के चलते फिरते वज़ाइफ़ करने की बजाय वो वजीफा करो जो रसूल कायनात की जबान से हो निकला हुआ है और ये मसनून भी है ये मुजरब भी है और ये मुफीद भी है अच्छा सर जैसे आप फरमा रहे हैं कितनी दफ़ा पढ़ना है कब कब पढ़ना है ये भी बताइए इसको हमारे यहाँ असूल है, उसूल है कि जिस दुआ का अदद रसूल कायनात ने वक्त और जागा रसूल कायनात ने मुतैन नहीं फरमाई हम भी नहीं फरमाते जी लिहाजा इसको सुबह पढ़ ले शाम पढ़ ले, लेकिन ऐसे वक्त में पढ़ ले जब आपका दिल बक़ायदा अल्लाह की तरफ ये तो सबसे पहली शर्त शरत शर्त पहली शर्त है ठीक जब आपका वक्त ऐसा हो जो कबूलियत वाला है दज्जत के वक्त पढ़ ले और अगर आप दो रकत नमाज तौबा या दो रकत नमाज हाजत जी वो अदा करके फिर उसके बाद ये पढ़े और सईदे में जाके पड़े अरे या झोली फैला के पड़े आप यकीन करें आपकी झोली में आपका बेटा आपकी झोली में आपका वो नाफरमान या जो भी है जी, जो जो भी जो, भी है, जो भी जो, है है रिश्ता रिश्ता वो अल्लाह आपकी झोली में उसको डाल देगा और आपसे वो लिफ्ट के मोहब्बत करेगा आपके ना होने को वो मिस करेगा अल्लाह और आपके ना होने से वो बेचैनी महसूस करेगा अल्लाह और रज़ी अल्लाह तआला ने कोई आम जी, जी, नहीं, जी, फिर हर बंदे ने उनसे मोहब्बत की है तो ये दुआ हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है और एक दुआ तो अगर वो तो बहुत बड़ी है मैंने देखा है कि अगर ये तो है बंदों का बंदों के दरमियान में मोहब्बत का रिश्ता अगर आप बंदे का अपने रब के दरमियान में मोहब्बत का रिश्ता चाहते सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो आकिब अशरफ ने पढ़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह सारी कायनात ही तेरी खातिर मैं वक्फ कर दूं अल्लाह मेरा जीना मेरा रोना मेरा मरना ठीक है वो क्या अल्लाह हुम्मा इन्नी अस आलू का हुब्बा का वह हुब्बा मैं यू ही बो अल्लाह तेरी मोहब्बत चाहता हूं या उसकी मोहब्बत चाहता हूं जो तेरे से मोहब्बत करने वाला है सुबह बस इसी नोट पे जी मैं अख्ताम करूँगा इसके बाद अब और कुछ कहना बनता भी नहीं मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपने मौजिस् मेहमानों का आक़िब अशफ साहब आपका आने का बहुत शुक्रिया और इनके साथ मौजूद रहे शफीक रहमान जाहिद साहब सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत ऐसी कर दे कि उस मोहब्बत के बाद किसी और मोहब्बत की जरूरत ही ना पड़े थैंक यू अरुमाच जी इसके साथ ही नवीन निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़